गैंगस्टर राजू ठेहट की शनिवार को बदमाशों ने फायरिंग कर हत्या कर दी। घटना में बेटी से मिलने आए ताराचंद की भी गोली लगने से मौत हो गई। घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश था। सांसद हनुमान बेनीवाल के आने के बाद मांगे पूरी नहीं होने पर नाराजगी जताई। पहले दौर की वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा मचाते हुए सड़क जाम कर दी। वहीं दूसरे दौर की वार्ता के बाद आखिरकार सहमति बनी, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल और समर्थकों ने धरना समाप्त कर दिया। पहले दौर की वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों ने अस्पताल के बाहर जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए आक्रोशित लोग सड़क पर धरने पर बैठ गए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को भी भारी जब्ता लगाना पड़ा। इस दौरान पुलिस और आक्रोशित लोगों के बीच तनातनी भी हुई। पुलिस ने लोगों को खदेड़ा भी। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। करीब 3 घंटे तक चली दूसरे दौर की वार्ता के बाद आखिरकार मांगों को लेकर सहमति बनी, जिसके बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने धरने को समाप्त करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बढ़ते अपराध को रोकने के लिए पुलिस को कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि क्राइम के ग्राफ को कम किया जा सके। वार्ता में सांसद हनुमान बेनीवाल, लाडनू विधायक मुकेश भाकर, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी, पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, सांसद सुमेधानंद सरस्वती मौजूद रहीं। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वार्ता के दौरान उनकी मांगों को मान लिया गया। उन्होंने कहा कि SIT गठित कर IG और SP के नेतृत्व में जांच की जाएगी। इसके साथ ही अपराधियों के पीछे कौन थे उसकी तह तक पुलिस जांच करेगी। मृतक ताराचंद की बेटी की पूरी शिक्षा सरकार की ओर से निशुल्क होगी। मृतक ताराचंद को 5 लाख के मुआवजे के साथ और भी आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। घटना में घायल कैलाश सैनी को पूरा इलाज निःशुल्क होगा और 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। राजू ठेहट के परिवार को सुरक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही फर्स्ट ट्रैक में मामले के जल्द डिस्पोजल भी करवाया जाएगा। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने बताया कि शांतिपूर्वक वातावरण में वार्ता हुई है। सोमवार को दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर अंत्येष्टि करवाई जाएगी। इसके साथ ही मांगे मनाने के बाद सीकर के बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि वार्ता के साथ पूरा विवाद समाप्त हो गया है। इसके साथ ही पुलिस ने आश्वासन दिलाया कि अपराध को रोकने के लिए पुलिस सख्त कदम उठाएगी। कलेक्टर अमित यादव ने बताया कि राजू ठेहट के घर के बाहर सुरक्षा को देखते हुए गार्ड तैनात किए जाएंगे। इस वीक के अंदर जो मुलजिम बढ़ रहे हैं, कुछ नेताओं के नाम आ रहे हैं जिनके वहाँ से मुलजिमों को सर्विसन दिया गया, वो सारी चीज़ हमारी खुल के बात होगी, ऊपर भी बात होगी हमारी। और IG SP खुद जांच करेंगे, IG की मॉनिटरिंग में SP खुद जांच करेंगे, उन सबको ले आएंगे, पूरा नेटवर्क जो नेक्सस है उसको ख़त्म करेंगे, दोबारा इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और बच्ची जो ताराचंद कड़वाथरा की बच्ची है उसको पूरी शिक्षा राजस्थान की सरकार और मिलकर सारे लोग उसको मुफ्त शिक्षा सरकारी कॉलेज में उसका एडमिशन 5 लाख अलग से कंपनसेशन और व्यवस्था करेंगे। ज़्यादा क्या बेस्ट है कि चोट लगी है उसको 50,000 रुपये और उसका पूरा इलाज, राजू के पूरे परिवार को सुरक्षा, 1-4 की गार्ड दोनों जगह और हर गवाह को 2-2 गनर मिलेंगे जो गवाह है इसके अंदर। फास्ट ट्रैक में जल्दी जल्दी इसका डिस्पोजल कराएंगे, इस कड़ी को तोड़ेंगे, दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं हो।